हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ओडिशा ब्लॉग। ये मेरा फिफ्थ ब्लॉग है। मैं सोचा था कि जब मैं गांव आऊंगा तो 10 वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो आज हम लोग जा रहे हैं अनगुर, और हम अभी बच्चे जा रहे हैं। जब भी जाते थे पापा या बड़ा भाई या मम्मी रहते थे साथ, लेकिन इस बार हम दोनों जा रहे हैं और दोनों ही बच्चे हैं। और अनगुर यहाँ से 300 किलोमीटर है। तो चलो आज बच्चों का भी मजा ले लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं आज की ब्लॉग। तो गाइस, अभी हम चले हैं 120 किलोमीटर, और यहाँ पर हम लोग थोड़ा पार्किंग वगैरह करके कॉफी वगैरह यहाँ पर पियेंगे। उसके बाद फिर से हम जाएंगे भुवनेश्वर। वहाँ पर जो मधु है, मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसके साथ जाकर घूम घाम के आकर उसके बाद जाएंगे अनगुर। तो थोड़ा लंबा लिस्ट है, तो लगे रहिए। अच्छा लगा तो कमेंट में बताना। देख, एक जादू देखेगा हाथ तो दो। छोड़ दे। 1 2 दो कॉफी। बोले चेस। हे गाइस, तो अनगुल जीवा वाले हिंदी सुजन हिंदी बोल। तो गाइस, हम लोग जब अनगुल जा रहे थे तो रास्ते में कटक से अनगुल जाते वक्त रास्ते में भुवनेश्वर में नंदनकानन पड़ता है। तो हम लोग सोचे कि गुड्डू को मैं ले आया था तो इतना अच्छा जगह उसको घुमा नहीं पाया, तो नंदनकानन चलते है, थोड़ा घूम वगैरह घूम घाम के आते है। तो चलो, सामने नंदनकानन है और टाइगर वगैरह को देख के आते हैं। तो लगे रहिए, अगर आपको पसंद आया तो कमेंट में बताना। तो ये रहा टंटना नंदनकानन। तो गाइस, नंदनकानन घूम के आते हैं। चलो देखते हैं नंदनकानन में टाइगर कैसा है वगैरह वगैरह। और मम्मी पापा को पता नहीं है, हम लोग छुप के आए हैं। देखिए, वो है छोटा ब्लॉगर, तो हम भी ब्लॉगर है। हमारे चैनल छोटा है तो थोड़ा क्या हो गया, लेकिन हम भी ब्लॉगर है। हम नूब है तो क्या हो गया, हम भी ब्लॉगर है, नूबड़ा ब्लॉगर। ओ गुड्डू, आर यू हैप्पी? तो गाइस, नंदनकानन जा रहे है, वो भी पहली बार, अभी अकेला, और हम भी बच्चे है। बच्चे है तो क्या हो गया। चलेगा, मम्मी पापा कोई नहीं आए, तो ये मेरा फर्स्ट घूमना है। आप लोग देखते रहिए, अगर पसंद आया तो नीचे जरूर बताना, ठीक है ना। टिकट वगैरह चल देख लेते हैं। तो ये रहा नंदनकानन टाइगर वगैरह, देख लीजिए आप लोग। गाइस, दिस इज नंदनकानन, और हम लोग अभी अंदर आ चुके हैं। गुड्डू गया है टिकट काटने के लिए। तो चलो देखते हैं नंदनकानन कैसा है। बहुत दिन के बाद आया हूँ। रुक जा इधर, तो चलो 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 चलो। यहाँ से गाइस एंट्री होते हैं। चलो देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। टाइगर भाग जाएगा। नहीं, टाइगर को देखकर हमारे अंदर भी टाइगर वाला सेंस एक्टिव हो गया। तो गाइस, मजा आ रहा है, बोले तो बहुत मजा आ रहा है।
देख ले देख ले। ओ भाई जल्दी भाग जल्दी। हेलो, अरे इधर तो देख, देखता नहीं है। इनको पीक लेने की बहुत आदत नहीं है। बोले तो स्माइल। नमस्कार, चलिए अभी हम देखेंगे सांप की दुनिया। यहाँ पर सांप मिलता है। सेल्फी ले। इंडियन स्टार टर्टल्स, स्टार टर्टल्स। मगरमच्छ है, देख लीजिए। कितना अच्छा वाला एक फोटो खींचना पड़ेगा। रुक जा। ये भाई, व्हाट इज दिस? हाँ, इधर से। ओ माय गॉड, ये क्या है? ओए, हेलो। वाटर मॉनिटर लिजार्ड, लिजार्ड वगैरह है इसके अंदर, जो स्नेक्स, क्रोकोडाइल, टर्टल्स और कौन, मगरमच्छ। वो क्रोकोडाइल में गया है ना, तो ये सब देख चुके हैं। तो अभी सामने चलते हैं, सामने क्या और नेक्स्ट देखते हैं। तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा थक गए हैं। तो बोल देता हूँ, ये हमारा फर्स्ट घूमना है जो कि हम दोनों अकेले आए हैं। नहीं तो इससे पहले कभी भी हमारे घर वाले नहीं छोड़ते थे, और छुप के आने में भी मजा है। गुड्डू, देखिए ये है खिरन, जिसका बड़ा बड़ा सिंह है, चार पैर है, एक पूंछ है, और देखिए एक पेड़ है। अरे है गुड्डू, जिसका दो हाथ है, दो पैर है, पीठ में एक बैग है। अच्छा, देखते गुड्डू भी कैसे निकलता है। ओ एक पुलिस को बुलाता हूँ, रुक, सिक्योरिटी गार्ड, देखो चोर। जो चिड़िया है ना, वो बहुत बड़ा है, मतलब जितना भी चिड़िया है सबसे वो बड़ा है। ये वाला बहुत बड़ा है ना। तो मुंह के अंदर क्या है? एक मछली है या क्या? और क्या? इस जगह पर जगह को याद रखना, क्योंकि हम वो मछली देख कर आने के बाद यहाँ पर हम खाएंगे जो लंच टिफिन वगैरह लेके आए थे, इसको यहाँ पर करना है। ठीक है, याद रखना, याद नहीं है तो याद दिला देना। तो चलो देखते हैं। रुक जा, एक सेल्फी लेता हूँ, रुक जा। ए भाई, अरे बोलो तो स्माइल। ओ भाई इधर, कम कम कम, इधर ये क्या है? अरे ये ना एक प्रकार का जो प्लांट है, जो पानी के अंदर ऐसा उगता है, देख ले। ऐसे ही रुकते हैं लोग। ओ भाई रुक जा, मेरा बहन जी रुक जा, थोड़ा एक सेल्फी ले ले। देखिए ये शानदार सा मछली है। अरे ये है पैरट, पैरट ये इंसान को खा जाएगा। हाँ, यहाँ से घूमना खत्म हो गया। फिश देखे, टाइगर वगैरह देखे, और हिरन वगैरह देखे, स्नेक वगैरह देखे, क्रोकोडाइल वगैरह देखे, सब कुछ देखे, और चिड़िया वगैरह बर्ड्स भी देखे, लेकिन बहुत कुछ हम देख नहीं पाए, इसलिए हमको खेद है। और नेक्स्ट टाइम आएंगे तो कभी तो देख लेंगे, क्योंकि 3 बज गया है, 6 बजे के अंदर हमको अनगुल में पहुंचना है। तो कार लेकर हम दोनों आए हैं, हम बच्चे हैं, अगर रास्ते से कुछ प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम होगा ना, तो इसलिए हमको जल्दी जाना पड़ेगा। डांट तो हमको खाना पड़ेगा, खास करके मुझे। तो यहाँ पर रुक, मम्मी दिए थे पकौड़ा, तो उसको खाकर हमको जाना पड़ेगा यहाँ से। किसका है?
ये क्या है? इससे हम एनिमल को देखने के लिए लाए थे। तो गाइस, ये हमारा घूमना, हमारा रिसर्च खत्म हो चुका है। हम लोग टाइगर वगैरह को ढूंढ लिए हैं। तो अभी मिशन है अनगुल की ओर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आपको ये नंदनकानन पसंद आया तो नीचे लाइक का बटन है और उसके नीचे कमेंट का बॉक्स है, वहां पर लिख दो वेरी नाइस नंदनकानन। ओके बाय। सब क्यों करते हैं? बच्चा है यार। करते हैं हमारे वीडियो को, अगर आपको पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? और वो जो लाल जो सब्सक्राइब का बटन है ना, उस पर जो भी फेंक के मारो, लेकिन वो क्लिक हो जाना चाहिए। तो हम चलते हैं अनुकूल की ओर, बहुत लेट हो चुका है, नहीं तो मम्मी पापा हमारा क्या कर देंगे, वो जीना हराम कर देंगे। तो चलो चलते हैं, बाय। तो गाइस, नंदन कानन घूमने के बाद जब हम रिटर्न कर रहे थे ना, तो हमको रास्ता बता नहीं था, तो इसलिए हम गूगल को पूछे, गूगल भाई जी हमको रास्ता बताओ। वो ऐसा एक रास्ता बताया ना, पूरे जंगल के बीच से एक सरू रास्ता, जहाँ से आने के वक्त हमको बहुत डर लग रहा था। तो गुड्डू बोल रहा था, भाई किधर ले आए, अगर घूम गए तो हमारा पापा हमारा हालत ढीला कर देंगे। लेकिन वो बहुत शॉर्टकट रास्ता है, पूरा हमको मेन रोड में लाकर पहुंचा दिया। तो आप लोग भी गूगल मैप यूज करिए, अच्छे से जाइए, और कहीं भी अगर घूम गए तो गूगल मैप को पूछ लीजिए, वो बहुत अच्छा है वो बंदा, ठीक है? तो पर एंडिंग करते हैं आज का ब्लॉग को। तो हम लोग अनुकूल पहुंच गए, तो गरम गरम कॉफी के साथ बाय, एंड दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो टाटा बाय, सी। तो भांगी जानू वो भांगू, चलो मेरा ये 20 साल का तजुर्बा है। मेरा 20 साल का तजुर्बा है।